हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इंसर्ट सिंबल इन एक्सेल। एक्सेल में आप सिंबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो सिंबल इंसर्ट कर रखा है, एक माउस का यहाँ पर और एक हैंड का। ऐसे बहुत सारे सिंबल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे मैंने एक शॉर्टकट भी राइट किया है, विंडो प्लस डॉट। इसका उपयोग कैसे करना है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का सिंबल आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो पहले इसको देख लेते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर इस सिंबल को आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप एम एस एक्सेल के टैब के बारे में जानते होंगे। होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट है, फार्मूला, डेटा। आपको केवल इंसर्ट नाम के इस टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही इंसर्ट पर आप क्लिक करते हो आप राइट हैंड में जाओ, इधर जाने के बाद आपको सिंबल नाम का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंबल ऑप्शन दिया है, इस पर केवल आपको क्लिक ही करना है। यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करते होंगे आप देखोगे कि यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाता है सिंबल का, ठीक है। ये देखो आप, अब इसमें से जिस तरह का भी सिंबल आपको चाहिए और जहाँ पर भी चाहिए आपको कर्सर जहाँ पर भी रखे होंगे, ये देखो ये कर्सर यहाँ पर यही सेलेक्ट था तो हमारे सिंबल यहीं पर इंसर्ट होंगे। यहाँ पे डॉलर के साइन पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट कर दूंगा, देखो इंसर्ट हो गया। हैश के साइन पे क्लिक करूँगा, हैश का साइन इंसर्ट हो जाएगा। एंड के साइन पे क्लिक करूँगा तो एंड का साइन। अगर मुझे इनमें से कोई सिंबल्स चाहिए, ये बुलेट्स चाहिए तो इसको भी इंसर्ट कर सकता हूँ, अगर ये नंबर चाहिए तो इनको भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने कई सारे सिंबल को यहाँ पर इंसर्ट किया है। देखो आप यहाँ पर स्पेसिंग करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ी जूमिंग को इंक्रीज कर दो। यहाँ पर मैंने इसकी साइज़ को थोड़ा यहाँ से बढ़ा दिया, जहाँ से फॉन्ट की साइज़ बढ़ाते हैं वहाँ से बढ़ा दो। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का सिंबल आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट कर पाए हो, ठीक है। ओके, तो ये तो था कि आप एक्सेल के होम में जाके और एक्सेल के इंसर्ट टैब पर क्लिक करके आप सिंबल से जाके इस तरह का आप यहाँ पे सिंबल ले पाते हैं। लेकिन अगर आप मैं आपसे पूछूं कि ये विंडोज प्लस डॉट का क्या मतलब है, तो इसको थोड़ा देखो आप। विंडोज प्लस डॉट के माध्यम से भी आप सिंबल को ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली विंडो बटन को प्रेस करोगे और डॉट बटन को दबाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कितने सारे सिंबल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ सिंबल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्लिक करो तो इस तरह का, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह के सिंबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फेसियल जो होंगे आपके, देख सकते हो सारे सिंबल यहाँ पे आपको यहाँ पे मौजूद हुए हैं। बिल्कुल जो सिंबल आपको चाहिए, ठीक है, उसको आप कर्सर रख दो और वहाँ पर इंसर्ट कर दो। यहाँ पर देखो मैं फिर से इसको, मैं कर्सर को यहाँ पे रख लिया हूँ, आप देख सकते हो। मैं थोड़ी इसकी फ्रंट की साइज़ को इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको यहाँ पे जो सिंबल बनेगा वो दिखाई दे। तो कर्सर को रख दिया हूँ, विंडोज के साथ डॉट बटन को दबाऊंगा तो ये खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो ए वाला सिंबल इंसर्ट हुआ यहाँ पे अभी, ठीक है। अभी अब आपको कोई दूसरा सिंबल चाहिए तो फिर यहाँ पर भी क्लिक करके, जैसे इसको चाहिए तो देखो ए वाला सिंबल मिल जाएगा। स्पेस लगा दूंगा यहाँ पर और फिर यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो कोई और सिंबल, मुझे जो भी सिंबल्स की रिक्वायर्ड होगी उस तरह के सिंबल को मैं यहाँ पे ले पा रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाले सिंबल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जो सिंबल आपको रिक्वायर्ड है ना, वो सिंबल आप इसमें से क्या होगा आप ले सकते हो अपने हिसाब से, जिस भी सिंबल की आपको जरूरत यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। ये देखो क्लिक करता जा रहा हूँ, सिंबल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए सिंबल है, ठीक है। अगर आप इन्हें कलर करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लो और बस कलर पर यहाँ पर क्लिक कर दो तो आप देखो यहाँ पर कलर में आ जाएंगे। अगर एक एक कलर इनका चेंज करना है सभी को तो सेलेक्ट करके आप कलर अलग अलग कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। देखो ऐसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका भी कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ इस तरीके का। ये देखो आप चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें दो तरह से सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हो। एक तो यहाँ से सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, दूसरा आप विंडोज प्लस डॉट के द्वारा क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जब विंडो को दबा के डॉट दबाओगे तो आप सिंबल यहाँ पर इस तरह का इंसर्ट कर सकते हो। ओके, सो आपने देखा कि कैसे आप सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो शॉर्टकट है ये कहीं भी काम कर सकता है। अगर मैं विंडोज आर बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट पैड और एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखो यहाँ पे भी वो सिंबल विंडोज के डॉट साथ आ जाएगा। विंडोज को दबाओ और डॉट बटन को प्रेस कर दीजिएगा, देखिए सेम सिंबल आपके सामने यहाँ पर मिलेंगे। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर, जिस सिंबल पर क्लिक कर रहा हूँ वो सारे सिंबल आप देख सकते हो यहाँ पर इंसर्ट होते चले जा रहे हैं। देखिए जिस सिंबल पे क्लिक किया तो इतना सारा सिंबल आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। मैं कंट्रोल प्लस करूँगा तो इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब सिंबल आप क्या किए थे यहाँ पे इंसर्ट कर दिए थे, देखिए ये सारे सिंबल आपने उसमें देखा था।
सिंबल को इंसर्ट करना समझ में आया होगा कि कैसे आप एक्सेल में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शंस को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बॉर्डर ऑप्शन कहाँ पर होता है और कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हो, आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि जो भी कुछ मैं आपको बताऊँ इस ऑप्शंस के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए और वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं कि बॉर्डर ऑप्शन कहाँ पे है, ठीक है, और कैसे इसका उपयोग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, बॉर्डर कहाँ पे लगाते हैं, किसी सेल पे बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है, दो या दो से अधिक सेल पे भी बॉर्डर ऐसे भी सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हो, कॉलम पे भी बॉर्डर यूज कर सकते हो, तो जैसे बॉर्डर यूज करना है कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ कि इस पे बॉर्डर लगाना है, सेलेक्ट करके रखो। सेलेक्ट करने के बाद आपको ध्यान से देखो यहाँ पे टैब पे जाना है, जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, होम टैब में ही जाओगे और ठीक क्लिपबोर्ड वाला जो ऑप्शन है उससे ठीक आगे देखिए लिखा हुआ मिलेगा आपको फॉन्ट, और फॉन्ट में यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉ आउटसाइड बॉर्डर ऑप्शन करके, देख सकते हो आप, बस इस पर क्लिक कर दो ना तो पूरा का पूरा बॉर्डर आपके हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। कैसे आपको बॉर्डर यूज करना है, लाइन की स्टाइल क्या रखना है देख सकते हो, ठीक है, लाइन का कलर क्या रखना है। अब पहला मैं ऑप्शन आपको नीचे से पढ़ाता हूँ, ड्रॉ बॉर्डर से। ड्रॉ बॉर्डर का काम होता है कि जहाँ तक मैं इसे खींच रहा हूँ ये देखो वो बॉर्डर को ऐसे ड्रॉ कर देगा, बिल्कुल लग गया। अब यहाँ पे लाइन खींचना तो यहाँ पे लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे बॉर्डर को बिल्कुल ऐसे क्रिएट कर दे, ठीक है, देख लीजिए वर्टिकल पे खींचा और ये वर्टिकल, ठीक है, रो पे खींचोगे तो रो पे भी आप ऐसे खींच सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप बॉर्डर को यूज कर सकते हो। अगर सपोज दैट कि बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो कैसे करोगे आप, ये देखो आप यहाँ पे बॉर्डर के कलर को चेंज करने के लिए आपको इसी पे क्लिक करना है और ठीक इसके नीचे लाइन कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा और जिस कलर का बॉर्डर आपको लगाना है उस कलर पे करना है क्लिक। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ज़्यादा डार्क कलर लग गया है तो मैं इसका कलर थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लाइन कलर पे जाके मैं इसे कर देता हूँ ग्रीन में, ठीक है। तो आपको देखिएगा अभी ये देखिए लग रहा है लेकिन प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा मोटा कर देता हूँ बॉर्डर को। बॉर्डर कैसे मोटा करेंगे, लाइन के यहाँ पे जाएंगे ऑप्शंस पे और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो मैं क्लिक करूँगा तो देखो मोटा सा बॉर्डर यहाँ पे देख सकते हो ऐड हो रहा है, देखिए आप क्लिक करते ही बॉर्डर ऐड हो जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट करके भी मैं कर सकता हूँ और इसको पकड़ के भी इनके एक ही बाद में ऐसे क्या कर सकता हूँ खींच सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे लग जा रहा है, ये देखो ऐसे, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप ऐसे खींच सकते हो, ठीक है, ये जैसे मैंने खींचा यहाँ पे देखो, समझ में आई बात अभी। तो इस तरीके से आप बॉर्डर जो कलर और बॉर्डर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे, ये ऑप्शन देख रहे हो बॉर्डर ऑप्शन, इसमें से ड्रॉ कर सकते हो। इरेज करना है तो क्लिक कर दो, आप यहाँ से इरेज भी हो जाएगा, देखो बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो बॉर्डर यहाँ पे ऐड यहाँ पे इरेज हो जा रहा है। बॉर्डर को अगर इरेज करना है तो आप इरेज भी यहाँ पे कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे इरेज हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से बॉर्डर को भी आप यहाँ पे इरेज कर सकते हो। ये तो था मैनुअल आप कैसे बॉर्डर को यहाँ पे लगा सकते थे, ठीक है, लाइन के स्टाइल दिया है, बॉर्डर ग्रीड वगैरह। लेकिन आप अगर किसी एरिया को सेलेक्ट करके बॉर्डर बनाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस एरिया को क्या कर लूँगा, ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे कहाँ पर जाना है, इसी में जाना है यहाँ पर, और एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ऑल बॉर्डर का, क्लिक कर देंगे तो पूरा पूरा देख सकते हो बॉर्डर यहाँ पर लग जाएगा। इसके अलावा इसी एरिया को मैं सेलेक्ट करके अगर मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ ऑल बॉर्डर के बाद यहाँ पे, तो बॉर्डर को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टाइल भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है, आउटसाइड, ऑल साइड, नो साइड यूज करना है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अगर आपको बॉर्डर को हटाना है तो आप कहाँ पर क्लिक करोगे, नो बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिएगा, बॉर्डर हट जाएगा, देखो इधर से हट गया। इसको भी हटाना तो इसे सेलेक्ट कर लो, मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक और इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा का नो बॉर्डर वाला, देखो क्लिक कर दिया तो बॉर्डर सब क्या हो गया आपका यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को यहाँ पे लगा भी सकते हो, इसके साथ साथ आप अगर इसे सेलेक्ट कर लेते हो जैसे यहाँ पे, तो बॉर्डर टॉप में भी आप लगा सकते हो, देखो आउटसाइड के बॉर्डर लगेगा, बार बार साइड देखो बॉर्डर लग गया ऐसे। अगर आप इसे आउटसाइड के अलावा आप यहाँ पे देखो केवल आउटसाइड के बाद यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऑप्शन खाली बॉटम में डबल बॉर्डर, तो क्लिक कर दोगे तो खाली बॉटम में क्या होगा, डबल बॉर्डर, देखो यहाँ पे डबल बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है खाली बॉटम बॉटम में। अगर टॉप में अगर यूज करना है तो इसे सेलेक्ट कर सकते हो और ठीक आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके ठीक है थिकनेस बॉर्डर, टॉप बॉर्डर,
टॉप बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो खाली ऊपर लगेगा बॉर्डर, ये देखो अभी ठीक है। तो यहाँ से आप बॉर्डर को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे दिख रहा है। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।